नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जो पाक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जिक्र करने जा रहे हैं अपने 9वें दिन में अगले 15 क्वेश्चंस का। दोस्तों जो ये 15 क्वेश्चंस हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स से उठाए गए हैं और ये 15 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस जब आप कवर करेंगे पूरी, जब 100 सीरीज़ के क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एमटीएस, एचएसएससी, एसएससी जीडी जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस वो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो दोस्तों आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल कुछ की भी तैयारी कर रहे हों, जहाँ पर भी जीके आती है, ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। दैट इज़ पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत या फिर व्यय का सिद्धांत? चलिए दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हमारा कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग। मतलब इंग्लिश में बात करूँ तो मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, राइट। तो संवेग इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किस वर्ष तैयार किया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था वो कब तैयार किया गया था? 1951, 1971, 1985, 2018। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों दैट इज़ 1985। याद रखें जो हमारा नागरिक रजिस्टर था जिसके तहत हमारे एक तरीके से हमारे जो हक हैं वो लिखे होते हैं, राइट। तो वो 1985 में तैयार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्यूआर कोड विकसित किया गया है किसके द्वारा? क्यूआर कोड विकसित किया गया था भारत में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच द्वारा। तो जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए दोस्तों इसका आंसर है दैट इज़ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ का संकलन किया था? मतलब इनमें से किसने आदि ग्रंथ का संकलन किया है? ऑप्शन नंबर ए इज़ गुरु नानक देव के काल में, ऑप्शन नंबर बी इज़ गुरु अमरदास के काल में, ऑप्शन नंबर सी इज़ गुरु अर्जुन देव के काल में, ऑप्शन नंबर डी इज़ गुरु हरगोविंद के काल में। तो इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव के काल में। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में आया है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम का मैं नाम नहीं ले सकता कि उसमें आया है, बट हर एक एग्ज़ाम में आया है। चाहे वो एचएससी लेता हो, राजस्थान, कहीं भी जाओगे ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो हमेशा आपको मिलेंगे। मैंने एक तरीके से सारे क्वेश्चंस को जर्नलाइज करने की कोशिश की है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा नाइट्रोजन है दैट इज़ इन विटामिन B6। दोस्तों मैंने देखा लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं किसी भी सीरीज़ को देखने की, स्टार्टिंग करते हैं देख लेते हैं। अब 100 दिन हर किसी के बस की बात नहीं है 100 दिन की वीडियोस देखना, राइट। मगर वही है ना, एग्ज़ाम निकालना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। एग्ज़ाम वही निकाल पाएगा जो इस 100 सीरीज़ देख पाएगा, राइट। ऐसे नहीं है कि आप और कुछ करके नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, मगर मैंने कोशिश की आपको एक रेगुलरिटी प्रोवाइड कराऊं, एक रेगुलरिटी के थ्रू आपको वीडियोज़ मिले, ताकि जैसे जैसे आप रेगुलरिटी के थ्रू रहोगे इसमें, हमारे चैनल पर बने रहोगे, आपके अंदर भी वो जज्बा मैं डेली डालने की कोशिश करूँगा, मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि भाई पढ़ो, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है। और आज के टाइम में जो बेरोज़गारी का रेट है वो आप जानते हो कितना बुरी तरह से बढ़ चुका है। आपको पता है अभी जो रेलवे की वैकेंसी थी बेशक 2 लाख वैकेंसी थी, मगर ये भी तो देखो फॉर्म कितने लोगों ने डाला, 2 करोड़ लोगों ने। मतलब आपको हर 100 में से 1 बंदा बनना पड़ेगा, और कहीं कहीं तो आपको 1000 में से 1 बंदा बनना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, राइट। और ऐसा करने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा, और ये अलग जो अगर आप ये पूरी 100 सीरीज़ देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जीके मैं ऐसी करा दूँगा आप लोगों के कि कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जीके देखें और काम ख़त्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नेशनल गंगा नदी मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री या फिर हमारे वित्त मंत्री? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ हमारे प्रधानमंत्री, राइट। अभी हुआ क्या था, आप देखिए जो हमारी गंगा का जो प्रोजेक्ट था तो वो उमा भारती जी के पास था, अभी उनके पास उन्होंने संभाला नहीं गया तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कर लिया, अपने अध्यक्षता में ले लिया, राइट। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सी भारत की पहल $100 बिलियन की बाजार पूंजी के कारण IT कंपनी बन गई है? तो बताइए भारत की कौन सी ऐसी पहली कंपनी है जो IT 100 बिलियन का बाजार है, जिसने 100 बिलियन डॉलर कमा लिए, राइट। तो आपको पता है वह है TCS, राइट। TCS आपको पता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है तो बहुत ज़्यादा जॉब्स देती है, और आपको पता है कोई भी कंपनी जॉब्स तभी दे पाती है जब उसके पास उसकी पूंजी हो, राइट। तो TCS के पास अपनी बहुत पूंजी है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वानर नहीं है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन एक वानर नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो वानर है मगर सर क्या बता रहे हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर, देखिए ऑप्शंस देखिए, गिब्बन, गोरिल्ला, अलंगूर, ऑरंगउटन। तो अभी तक दिमाग में तुम्हारे में दो चीज़ें चल रही होंगी, या तो गोरिल्ला या फिर गिब्बन या फिर ऑरंगउटन, लंगूर तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा दिमाग में, है ना। तो लंगूर ही इसका आंसर है। होता क्या है कि ऐप डजेंट हैव टेल्स, राइट। द एप फैमिली कंसिस्ट ऑफ द गोरिल्ला, जो एप होती है उसके जैसे कि जो इनकी पूछ नहीं होती, तो इनमें जैसे गोरिल्ला हुआ, चिंपांजी हुआ, ऑर्गेटन हुआ, गिबन हुआ, ये सारे के सारे एप्स में आते हैं, राइट। गिबन सर सो ऑलरेडी रिलेट टू एप्स दो, मगर जो देखिए हमारे लंगूर हैं ऐसा नहीं है कि ये वानर से संबंधित नहीं है, जी हाँ वानर से संबंधित हैं बट इनकी पूछ नहीं होती। द एप फैमिली टेंड टू हैव मेनली वेजिटेरियन डाइट बिसाइड द गोरिल्ला एंड चिंपांजी हु ओकेजनली ईट स्मॉल एनिमल्स, राइट। जो हमारी वानर की जो फैमिली होती है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन रहती है, राइट। मगर वहीं मैं बात करूँ गोरिल्ला की, चिंपांजी की, तो वो कभी कभी छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं, राइट। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सुपरनोवा क्या है, जो एक सुपरनोवा वो आखिर है क्या? तो आपके ऑप्शंस हैं एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृत प्राय तारा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ सुपरनोवा की, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब एक तारा होता है वो मरने वाला होता है तो एक सुपरनोवा का कार्य कर रहा होता है। तो देखिए इसमें भी तारे की चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है बर्थ, उस समय तारा बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। उसके बाद आती है इसकी रेड स्टेज, मतलब दूसरी स्टेज, जहाँ पर तारा एक अपनी मीडियम लाइफ में पहुँच चुका होता है, और जैसे कि हमारा फिलहाल सन है, राइट, इसमें थोड़ा हल्का रेड होता है। और उसके बाद इसकी स्टेज आती है दैट इज़ ड्वार्फ स्टेज, इस ड्वार्फ स्टेज में तारा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका होता है। एंड द लास्ट स्टेज आती है दैट इज़ सुपरनोवा स्टेज, इस स्टेज में जो हमारा तारा होता है वो बेसिकली ख़त्म हो रहा होता है, और जब ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, वाई रेज, जो भी जितनी भी गामा, अल्फा, बीटा, जितनी भी रेज हैं वो सारी रेज निकलती हैं, और एक साथ बहुत बड़ा प्रचंड धमाका होता है। उसी धमाके को बेसिकली सुपरनोवा बोला जाता है, और इसकी जो चमक होती है वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुँचती है, राइट। तो इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज़ एक मृत प्राय तारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी बिट्स डज एन IP एड्रेस कंटेंस, मतलब जो एक IP एड्रेस होता है तो उसकी कितनी बिट्स होती हैं, राइट। तो देखिए 32 बिट होती हैं एक IP एड्रेस की। आपको पता है कि IP एड्रेस समथिंग करके ऐसा होता है 168.1.1.1 ऐसा करके, तो दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट टाइम इंजन लोकोमोटिव वाज इन्वेंटेड बाय, जो हमारा पहला भाप का इंजन था वो उसके आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, और इसमें पहला ऑप्शन आता है साइमन स्टेविन, दूसरा ऑप्शन आता है जॉर्ज स्टेपसन, तीसरा ऑप्शन आता है गैरी स्टारवेकर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पर्सी स्पेंसर, राइट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज स्टेपसन, राइट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडुला ओब्लोंगाटा इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस आर हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड स्टमक। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेडुला ओब्लोंगाटा एक ऐसी आप जानते हैं कि एक ऐसी हमारी
ग्लैंड को कंट्रोल करती है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये हमारी बेसिकली जितनी भी सेंसेशंस होती हैं और हमारे जितने भी ऐसे कार्य होते हैं जो जिनका हमारे ब्रेन पर कंट्रोल नहीं होता। मान के चलिए अभी आप एक साथ बिल्कुल गर्म चीज़ को छी दें, राइट, तो बेसिकली उसके लिए हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा पार्टिसिपेट करता है। और दूसरी बात यह है, हमारी आंतरिक सेंसेशंस होते हैं, दुख सुख इन सब की अनुभूति भी हमें मेडुला ओब्लोंगेटा की वजह से हो पाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दैट इज आपको इसका आंसर मिल गया। ब्रेन खालिस्तान इज ए टिपिकली वन कॉल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। एक आमतौर पर एकल एक कोशिकीय प्रजनन इकाई है जो यौन संलयन के बिना नए विशिष्ट को जन्म देने में सक्षम है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, एग, स्पोर, स्पर्म, सीड। तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर आता होगा बीजाणु, राइट, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा बीजाणु होता है दैट बेसिकली वो अपने इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, राइज दे सकता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन ही है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो बस ऐसे पांचवा लिखा हुआ है, राइट। ये हमारा चौदहवा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की खोज किसने की। बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है वैसे मैंने। पहला ऑप्शन आता है एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक, दूसरा ऑप्शन आता है बर्लस, तीसरा ऑप्शन आता है ह्यूगो डिवर्स एंड चौथा ऑप्शन आता है रॉबर्ट ब्राउन। इसमें तो मुझे आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ल्यूवान हॉक, राइट। चलिए आगे, दे हमारे 15 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में और